Hey guys, this is Vaibhav Agrawal and once again welcome back to our YouTube channel Study Material. So friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पर आपको लिस्ट शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं जो आपको लिस्ट शेयर करूँगा फ्रेंड्स, एक तीन डिफरेंट लिस्ट यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। एक आपकी जो रहेगी वो रहेगी NITs, IIITs और IITs में रहेगी कि इनमें मध्य प्रदेश में जो टॉप में कॉलेजेस आते हैं इनमें से IITs में कौन से हैं, NITs में कौन से हैं और IIITs में कौन से। जो भी यहाँ पर मैं लिस्ट शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन दी पैकेजेस रहेगी सबसे ज़्यादा, मतलब जो एवरेज पैकेज कहाँ का अच्छा है, प्लेसमेंट कहाँ का अच्छा है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है। और 2021 के हिसाब से मैंने जो डेटा निकाला हुआ है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है। सेकंड नंबर पे जो लिस्ट मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, दैट विल बी द गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ द MP, मध्य प्रदेश के जो टॉप इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी लिस्ट मैंने टॉप टू बॉटम यहाँ पर बनाई हुई है। उसके बाद फाइनली अपन देखेंगे यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट देखेंगे, प्राइवेट कॉलेज में टॉप पर कौन सा है मध्य प्रदेश का और बॉटम में कौन सा है। और जो सारी लिस्ट है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये तीनों जो लिस्ट मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, IIT, NIT, IIIT की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, इन मतलब IIT, IIIT और NIT को छोड़ के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस बचते हैं राइट, तो उनकी एक लिस्ट बनाऊंगा सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ आपको प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट। जो भी यहाँ पर सारी लिस्ट रहेंगी बेस्ड ऑन दी प्लेसमेंट, बेस्ड ऑन दी पैकेजेस रहेंगी, एवरेज पैकेजेस की, थोड़ा बहुत डेटा मतलब 1-2 लाख रुपए इधर उधर हो सकता है कि LMCT का अगर आप एवरेज पैकेज देखेंगे तो 6.5-7 लाख जाता है, RGBP का देखेंगे तो समथिंग इधर उधर जाता है। थोड़ा बहुत डेटा से अगर कोई रिलेट नहीं करता है तो उसके लिए सॉरी, वहाँ की मैंने डेटा जितना अपने हिसाब से रिसर्च में जितनी कर सकता था मैंने उसके हिसाब से सारा डेटा निकाला हुआ है। और मैंने जो लिस्ट बनाई है बिल्कुल कंसाइज कॉलेज की, मतलब बिल्कुल फिक्स कॉलेज की बनाई है, ऐसा नहीं उठपटांग कुछ भी कॉलेज बढ़ती है। तो जो टॉप में आती है कॉलेज जिनका आपने नाम सुना होगा तो उन्हीं कॉलेज को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो आपको पता है फ्रेंड, जैसे कि अभी MP कॉलेजेस की काउंसलिंग चल रही है, मेंस का भी रिजल्ट आ चुका है, एडवांस का भी रिजल्ट आज ही आया है राइट, या फिर कल रात को, हाँ एडवांस का रिजल्ट आज ही आया था, तो उसकी भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। आज से 17 तारीख तक आपको उसका डेटा फिल करके देना है राइट। तो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिल सकती है अकॉर्डिंग टू मी। और अगर आपके रिलेटिव में अगर आपके कोई फ्रेंड वगैरह हैं जो अभी 12th पास आउट हैं या फिर जो काउंसलिंग करना चाहते हैं तो उनके साथ भी आप ये वाला वीडियो शेयर कर सकते हैं, आई होप उनको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये सामने आपकी लिस्ट रही है और सबसे पहले यहाँ पर मैं जो शेयर कर रहा हूँ लिस्ट में, इसमें IITs जो MP में, MNITs मतलब NITs जो यहाँ पर हैं, IIIT और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है MP के गवर्नमेंट, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनको भी मैंने यहाँ पर कवर कर रखा है। तो आप IIT इंदौर भर सकते हैं पहले पे, IITM ग्वालियर भर सकते हैं, मैनेट भर सकते हैं, IITDM जबलपुर भर सकते हैं, IIIT भोपाल हो गया, SGS ITS हो गया, DAVV हो गया, JEC जबलपुर हो गया आपका, VIT वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब उसी के नाम पे यहाँ पर खोला गया था भोपाल के लिए हो गया, और JP गुना। तो ये टॉप कॉलेजेस हो गए MP के बेस्ड ऑन दी IITs, NITs और आपके जो क्या हैं टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं। सेकंड लिस्ट की बात करेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की, मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई रखी है जो MP में गवर्नमेंट कॉलेज हैं टॉप पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया सबसे पहले आपका SGS ITS इंदौर हो गया, सेकंड नंबर पे आपका JEC जबलपुर का अच्छा खासा प्लेसमेंट है यहाँ पे, UIT भोपाल हो गया, RGBP जो आपको पता है एक यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी, IIT DAVV इंदौर हो गया, MITS ग्वालियर हो गया, UAC उज्जैन हो गया, सती विदिशा हो गया, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, IDEC सागर हो गया, देन आपका हो जाएगा BUIT भोपाल हो जाएगा लास्ट में। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस थे लेकिन कुछ गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छे भी हैं प्राइवेट कॉलेज, जैसे आपको पता होगा कि LNCT का प्लेसमेंट UIT भोपाल से भी अच्छा है जितना मुझे पता है, ठीक है, MITS ग्वालियर से भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। तो थर्ड एंड फाइनल लिस्ट अपन यहाँ पर देख लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे अच्छे प्राइवेट कॉलेज मध्य प्रदेश में कौन से हैं टॉप रैंकिंग से लेके बॉटम तक की यहाँ पर अपन बात करेंगे, और स्पेसिफिक केवल 10 कॉलेज मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखे हैं। तो LNCT भोपाल का टॉप प्लेसमेंट है, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर का, मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर TIT भोपाल का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, GGITS जबलपुर हो गया, ज्ञान गंगा कॉलेज जो आपको पता होगा पहले मतलब वहाँ पर LNCT था, फिर ज्ञान गंगा ने उसको एक्वायर कर लिया, देन आफ्टर दैट आपका ओरिएंटल एक्रोपोलिस इंदौर, SIRT हो गया, MIT उज्जैन हो गया आपका, विक्रम यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स ये तीन सारी लिस्ट थी और मैंने यहाँ पर सब कुछ सारे अच्छे मोस्ट जो टॉप से बॉटम तक में जो कॉलेज थे मैंने उनको यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। स्टिल आपको कोई डाउट रहता है, क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेरीज। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपने देखा कि मैंने तीनों लिस्ट यहाँ पर शेयर कर रखी है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।